हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर एजुकेशन पॉइंट आज के इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे ये एग्जाम 18 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं

तो एम्पलीफायर की तरफ पूछ रहा है तो एक्टिव रीजन वन का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है विच इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीच्यूड ऑफ सिग्नल सिग्नल को मैग्नीच्यूड को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं तो एम्पलीफायर का यूज करते हैं एम्पलीफायर क्या करता है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है मीन एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है तो टू का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है वेन पी एन जंक्शन इज रिवर्स बेस्ट पीएन जंक्शन जब रिवर्स बेस होता है तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है इंक्रीज होता है ठीक है और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन ये ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही है ऑप्शन बी गलत है डिप्लेशन इज एन डिक्रीज नहीं होता है डिप्लेशन इंक्रीज करता है डिप्लेशन डिक्रीज करता है तो फॉरवर्ड बैश में डिक्रीज करता है रिवर्स वैश में इंक्रीज करता है ऑप्शन ए और सी दोनों सही है क्वेश्चन नंबर फोर है विच फॉलोइंग इज देंट कंट्रोल डिवाइस कह रहा कौन सा इसमें करेंट कंट्रोल डिवाइस है तो बीजेटी जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है बाकी जो मॉस्फेट आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जेफेट जंक्शन ट्रांजिस्टर ये तीनों जो है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है और बीजेटी क्या है करेंट कंट्रोल डिवाइस तो फोर का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है ए फ्लिप फ्लॉप स्टोर फ्लिप फ्लॉप क्या करता है Binary bit को को। करता है 0 and 1 को, 0 1. ठीक है है। और ठीक तो option 5 का A हो जाएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप इज मोडिफाइड फॉर्म ऑफ जेके फ्लॉप किसका मोडिफिकेशन है तो SR फ्लिप फ्लॉप में हम लोग मोडिफाई करते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप बनता है सिक्स का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है शन एम फॉलोइंगज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट सा इसमें यूनिवर्सल लॉजिक गेट है तो दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है नैंड गेट और नॉर गेट तो नैंड और नॉर जो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ ए पी जंक्शन डायवर्ड इज पी जंक्शन डायोड का सबसे मुख्य इंपोर्टेंट यूज क्या है

थ्री वोल्ट होता है जर्मेनियम का सिलिकन का जीरो पॉइंट सेवन ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है जीना जीना डायोड डायोड है है में एक जंक्शन होता ऑप्शन ए हो जाएगा इलेवन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर चलते हैं कह रहा है ये जेफेट जेफेट इज तो क्या होता है वोल्टेज ड्रिवेंट डिवाइस है बीजेटी करेंट कंट्रोल डिवाइस है करेंट ड्रीवेंट डिवाइस है और जेफेट क्या है वोल्टेज ड्रीभेंट डिवाइस है ऑप्शन बी हो जाएगा ट्वेल्व का क्वेश्चन नंबर है ए मॉस्फेट मॉस्फेट हैज डैश टर्मिनल तो MOSFET में तीन टर्मिनल होता है ठीक है ना कहीं कहीं पे तीन या चार रहता है ठीक है ना यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट तीन होगा चार भी होता है जैसे कि गेट सोर्स ड्रेन और एक सबस्ट्रेट होता है जिसको बॉडी बोला जाता है तो तीन और चार ऑप्शन में रहेगा तब मारेंगे नहीं तो तीन टर्मिनल लेकर चलिए गेट सोर्स और ड्रेन ऑप्शन डी हो जाएगा थर्टीन का डी फोर्टीन है तो सिंबल होता है एक्सनॉर गेट का इनपुट में अगर ए और बी अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होता है NOR गेट का ए बार बी बार प्लस ए बी मीन्स ऑप्शन बी जो है X NOR गेट को दिखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए प्लस ए हैज द लॉजिक वैल्यू ए प्लस ए बार इज कल टू वन होता है याद रखेंगे और ए इंटू ए बार इज्कवल टू जीरो होता है ए प्लस ए बार इज कल टू वन और ए इंटू ए बार इजक्ल टू जीरो ऑप्शन बी हो जाएगा फिफ्टीन का क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कह रहा है ए नॉर गेट इज ऑन ओनली वेन ऑल इट्स इनपुट आर लो लो या ऑफ लो भी ऑप्शन में रहेगा तो आप मार सकते हैं ऑफ मतलब जब सभी इनपुट जीरो रहेगा ना जी जैसे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये मान लीजिए नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है ए प्लस बी का बार तो जीरो प्लस जीरो जीरो का बार वन जीरो प्लस जीरो वन का बार जीरो तो, तो, तो देखिए जब दोनों इनपुट जो है जीरो जीरो है तो आउटपुट वन मिल रहा है वही कह रहा है नॉर्थ गेट इज ऑन ऑन मतलब आ, वन होगा तो ऑन और जीरो रहेगा तो ऑफ तो कह रहा है ऑन कब होगा जब दोनों इसका इनपुट जो है लो रहेगा या दोनों इनपुट बोलेंगे जब ऑफ रहेगा तो आउटपुट जो है ऑन मिलेगा या हाई मिलेगा वन को हाई बोलते हैं हाई या ऑन जीरो जीरो हो गया लो या ऑफ तो कह रहा है ऑन ओनली इनपुट आर जब सभी इनपुट लो रहेगा या हाई ऑफ रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्टीन का सॉरी सिक्सटीन का डी हो जाएगा सेवेंटीन है नैन गेट नैन लॉजिक इज फॉर्ड बाई तो एंड गेट एंड गेट का आउटपुट क्या होता है जब इसको कॉम्प्लीमेंटिंग कंप्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंट करते हैं एन टू बी का बार कीजिएगा तो कौन सा गेट मिलेगा नैन गेट मिलेगा तो नैन लॉजिक इज फॉर्न बाई कॉम्प्लीमेंटिंग एंड लॉजिक ऑप्शन सी हो जाएगा सेवनटीन का एटीन है ए मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर बोला जाता है और डी मल्टीप्लेक्सर पूछेगा तो डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर को और मल्टीप्लेक्सर डेटा सेलेक्टर यह सिलेक्ट करता है डेटा को क्वेश्चन सर्किट है फुल एडर में क्या होता है तीन इनपुट होता है ए बी और सी इन in. तीन इनपुट होता है और दो आउटपुट होता है सम और कैरी सम और कैरी दो आउटपुट होता है तीन इनपुट होता है ऑप्शन डी हो जाएगा नाइनटीन का ट्वेंटी है द ऑनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू नॉट गेट क्या करता है इनपुट को इन्वर्ट करता है इनपुट को इन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया जब जीरो अप्लाई कीजिएगा तो आउटपुट में वन मिलेगा वन अप्लाई कीजिएगा इनपुट में तो आउटपुट में जीरो मिलेगा जस्ट इन्वर्ट कर देगा जीरो अप्लाई कीजिएगा तो वन देगा आउटपुट में वन अप्लाई कीजिएगा तो जीरो देगा इन्वर्ट कर देता है इनपुट को ऑप्शन ट्वेंटी का बी हो जाएगा ग्रुप बी का देखिए क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है जो कि चार नंबर का है एक्सप्लेन द डिमोर्गेंस लॉ इन बुलियन लॉजिक दो डिमोर्गेंस लॉ होता है एक होता है ए प्लस बी का बार इज कॉल टू ए बार इन टू बी बार होता है दूसरा है ए इंटू बी का बार इज इज्कवल टू होता है ए बार प्लस बी बार बस इसी को लिखना था इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द नैंड एंड एक्स एक्सोर लॉजिक गेट टू टेबल नैंड गेट और एक्सोर गेट का जो है सिंबल uh, बनाना है उसका टू टेबल को बनाना है सी में पूछा है एक्सप्लेन डी एंड टी टाइप फ्लिपलॉप डी फ्लिप्लॉप और टी फ्लिप्लॉप को एक्सप्लेन करना है इसी के और में पूछा है राइट द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कंबिनेशनल लॉजिक सर्किट और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में डिफरेंस पूछना है तो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट केवल प्रजेंट आउटपुट पर डिपेंड करता है पास पर डिपेंड नहीं करता है सिक्वेंशल में प्रजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करता है एज वेल एज पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मेमोरी नहीं होता है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में मेमोरी होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का एग्जाम्पल हो गया हाफ एडर फुल एडर हाफ सब्टर फुल सब्टेक्टर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर इनकोडर डिकोडर कोडर सिक्वेंशियल का एग्जाम्पल हो गया फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर ये सब हो गया रजिस्टर काउंटर ये सब हो गया सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बेस्ट रीजन फॉरवर्ड बेस्ट रीजन में पी एन जंक्शन डायोड का जो है ऑपरेशन लिखना है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन एज एम्पलीफायर एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन ब्रीफ बहुत सारा टाइप होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जैसे डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एना लॉ टू डिजिटल कन्वर्टर काउंटर टाइप एन एलॉ टू डिजिटल कन्वर्टर तो ये सब में से किसी एक को जो है एक्सप्लेन करना है इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ बैसिंग सर्किट बीजेटी बीजेटी में बैसिंग करते हैं वोल्टेज डिवाइडर फिक्स्ड बैस जिसको बोलते हैं या फिर बेस रेसिस्टर तो बहुत सारा बैसिंग होता है उसमें से किसी एक को जो है एक्सप्लेन करना है सिक्स में पूछा है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर सर्किट डिस्कस इज मल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या होता है मल्टीप्लेक्सर सर्किट में जैसे सपोज कीजिए जब फोर इंस टू वन मर्स है तो इसमें क्या होगा चार इनपुट होगा एक आउटपुट होगा दो सेलेक्ट इनपुट होता है तो उसको एक्सप्लेन करना है इसी के और में पूछा है कन्वर्ट डेसिमल में दिया हुआ है ऑक्टल में निकालना है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है कि जो छह नंबर का है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी बार प्लस सी बार और ए प्लस बी बार प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी बार यूजिंग बुलियन लॉजिक इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द नॉर लॉजिक विथ टेबल नॉर लॉजिक को एक्सप्लेन करना है नॉर गेट को टेबल के साथ इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन हाउ दिस यूनिवर्सल गेट कैन बी यूज टू फॉर्म एक्स और लॉजिक गेट अब नॉर लॉजिक जो ये है इसका यूज करके एक्स और लॉजिक गेट कैसे बनाते हैं तो नैंड गेट और नॉर गेट ये दोनों का यूज करके कोई भी आप गेट या कोई भी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग हाफ हेडर कोडर इसको एक्सप्लेन करना है इसी के और में पूछा है राइट द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्शन का एप्लीकेशन बताना है बी में पूछा एक्सप्लेन द एस आर फ्लॉप इन ब्रीफ एस आर फ्लॉप को जो एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर में पूछा है व्हाट इज ए काउंटर एक्सप्लेन द डिजाइन ऑफ ए रिंग काउंटर काउंटर क्या होता है और रिंग काउंटर के डिजाइन जो है एक्सप्लेन करना है इसका और में पूछा है एक्सप्लेन एनी वन सर्किट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग टाइप डेटा कन्वर्टर ऑल्सो राइट इट्स अप्लीकेशन ठीक है कह रहा कोई एक जो है डिजिटल टू एनालॉग टाइप डेटा कन्वर्जन का है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जैसे वेटेड टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है आर टू आर लेडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है तो किसी एक को जो है एक्सप्लेन करना है

बीजे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है इलेक्ट्रॉन और होस दोनों के द्वारा होता है उसमें करंट कंडक्शन फेट में यूनिपोलर डिवाइस है ये केवल जो है इलेक्ट्रॉन्स uh, या फिर होश किसी एक के द्वारा होता है इसी का और में पूछा है हाउ ए पी एन जंक्शन डायोड इज यूज एज ए रेक्टिफायर एक्सप्लेन इट पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर के तौर पर कैसे यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करना है इलेवन में पूछा है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर विथ नीट स्केच यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो है ऑपरेशन बताना है जंक्शन ट्रांजिस्टर इसमें कितना ट्रांजिस्टर होता है एक सॉरी कितना जंक्शन होता है तो एक जंक्शन होता है यूनी जंक्शन है ठीक है ना एक जंक्शन होता है तीन टर्मिनल होता है कौन कौन होता है तीन टर्मिनल होता है इमीटर इमीटर बेस वन और बेस टू ये इमीटर होता है ये बेस वन बेस टू तीन टर्मिनल होता है इसी को एक्सप्लेन करना है इसके और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू इन काउंटर इनको रिपल काउंटर बुले ये तीनों में से किसी दो पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम बीस सॉरी अठारह अप्रैल दो हजार तेईस को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है तो आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच